अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है और यहाँ सारे सो रहे हैं और मैं उठ गया हूँ। तकरीबन रात को भी 3 बजे सोया था और अभी सुबह 5:30 बजे का टाइम है और सब कुछ खामोशी, सब लोग सो रहे हैं क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने वाला है 7 बजे इसका और हमारी कोई तैयारी नहीं। और वहाँ पर अरीना आ चुका है, अभी जाना है इसको देखने के कुछ ना कुछ हो सकता है, एटलीस्ट किसी तरह इसको स्टार्ट कर दें तो काम यस हो जाएगा। और आज इन लोगों ने हमें जल्दी फ्री कर देना है 11 बजे 12 बजे तक। तो खैर मैं भी होटल से यहाँ से निकला हूँ, वो सामने वाला रूम हमारा, सब लोग सो रहे हैं और मैं कलाम की गली में पागलों की तरह फिर रहा हूँ। सामने ये यूनिवर्सिटी का गेट है ग्रीन वाला, यहाँ जाते हैं और अंदर देखते हैं क्या मामला आते हैं। दोबारा खोल रहे हैं, भाई साहब पता नहीं क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। कल तो हम लोगों ने एक इवेंट जीत लिया था RC कार वाला, आज क्या होता है देखते हैं। बहुत हैवी मामला थे कल, एक से बढ़ के एक गाड़ी आई हुई थी। या आप लोग देख सकते हो अरीना की हालत क्या हो चुकी है, कभी यहाँ कब्रें खोद रहे हैं, कभी पानी डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और यहाँ सामने ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी और यहाँ पे होगा हमारा अरीना। चलो जी, ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसको करते हैं काम इस पर। अभी भाई साहब इसको हम लोगों ने कोट शोट कर लिया, चेक करते हैं। बाकी ये अरीना रात को ही आ गया था वो बता रहे हैं मुझे, और कई टाइम्स इसमें कोड अपलोड कर गई है अपना, पहले ही हार्ड कोड कर दिए। भाई इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कलाम बाज़ार, वहाँ पे तमाम रोबोटिक्स इवेंट ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ी देर में क्लोजिंग सेरेमनी है। कोशिश करेंगे वहाँ पहुँच सकें, अगर पहुँच गए तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वहाँ के व्यूज़। और भाई बहुत हैवी सीन था वहाँ पे, मुख्तलिफ टीम्स आई हुई थी ऑब्स्टेकल की, जिसमें से हमारा रोबोट काफ़ी अच्छा चला। आप लोगों ने टेस्टिंग हमारा देखा था, काफ़ी अच्छा था। एट द टाइम ऑफ जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई, खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर मज़ीद काम करेंगे और उसको भी इम्प्रूव करेंगे। बाकी तुम लोग सीन्स देखो यार, बहुत हैवी सीन्स हैं। और अभी हम लोग शॉर्ट कट रास्ते से कलाम बाज़ार जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करने। फाइनली हम लोग इस वक्त रूम से जा रहे हैं, हम लोगों ने रूम सारा खाली कर दिया, तकरीबन दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम यहाँ से लीव कर रहे हैं। अब जाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद जो हमने प्राइस वगैरह विनिंग की है उसको देखते हैं और बाकी सब चीज़ें भी चेक करते हैं कि क्या मामला आते हैं। सेरेमनी ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है और हमें इंस्ट्रक्शन मिली है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, टीम की तरफ से, कि हम लोग वापस बसेस की तरफ पहुँचे क्योंकि काफ़ी देर का ये सफ़र, तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफ़र है यहाँ से वापस इस्लामाबाद की तरफ। और अभी दोपहर का हो गया काफ़ी, तो कोशिश करनी है जल्द से जल्द घर पहुँच सके, आधी रात ना हो।
मिलते हैं आपको सफर में। ऐसा हम लोग वापस निकल आए थे और रास्ते में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल सका। जब निकल रहे थे बहुत जल्दी में हम लोग निकले, वहाँ बारिश वगैरह शुरू हो गई थी। इसको हम बहरीन क्रॉस कर रहे हैं तो ये एक पुल है यहाँ पे, तो सारे रुक गए हैं। बस सामने खड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। इंशाल्लाह आज रात तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। भाई साहब रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग वापस यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। कल बहुत ख़राब हो गया और बस अब घरों की तरफ सारे रवाना हो गए हैं। यहाँ हमारा ये टूर रोबोटिक्स इवेंट ख़त्म होता है और इसी तरह का इंशाल्लाह मज़ीद इवेंट्स आते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।